हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बैटल कॉइन में लास्ट जोन में सर्वाइव कैसे कर सकते हो। या आप जानते होगा जैसे कि हैकर बहुत आता है बैटल कॉइन में, तो इस मैच में भी हैकर है, तो आपको नमूना देखने को मिलेगा। तो इसमें वो सर्वर फ्रीज जो होता है वो वाला हैक है, तो आप देखना कि अभी मैं जब जंप करूँगा तो पिंग कितना हाई होगा अभी, तो देखना। अभी मैं जंप पे टैप कर रहा हूँ, आपको सर्कल पे वो जो गोला गोला सा होगा आपको दिखेगा। देखो मैं टैप कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पिंग है 200 288 का दिखा रहा है, 288 का, तो वो एक्चुअल में 2968 का पिंग है। तो मैं अपना पहले पिंग सही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब उसके बाद आपको देखने को मिला कि नो सर्वर रिस्पॉन्स, तो आप देखना इस जोन में मतलब इतने जल्दी बंदे मरेंगे जो आकर माय फ्रेंड अभी जंप कर, तो आप लोग को सुनने को आकर कॉइन दाकर है फजेजिया कर। तो मैं लैंड कहाँ किया और कहाँ पे उतरा उसके बाद मेरा पिंग देख सकते हो आप, जबकि मैं अभी वाईफाई पे कनेक्ट कर लिया हूँ तब भी मतलब चल ही नहीं रहा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्राई करता हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आगे जाता हूँ और फिर पीछे आ जाता हूँ, तो मैं जैसे तैसे करके एक हाउस के पास पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक डीपी मिल जाता है। तो डीपी लेने के बाद मैं यहाँ से एक व्हीकल लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद देखना आप ये जो एक दरवाज़ा वो भी ढंग से नहीं खुल रहा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैम्प करता हूँ। तो आपको बैटल कॉइन में जैसा जैसा मैं करूँगा उसे आपको उसको मतलब वैसे आपको फॉलो करना है, तो तभी आप बैटल कॉइन में सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि बैटल कॉइन में सर्वाइव करना कितना हार्ड होता है, लास्ट जोन में भी कम से कम 30-30, 40-40 बंदे बच जाते हैं कभी कभी, जब अच्छी लोबी लग जाती है तो गलती से। और बिल्कुल कॉन्करर का भी टॉप लेवल होता है बैटल कॉइन में, क्योंकि इसमें सबको पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट से यूसी मिलता है फ्री में। यहाँ पे दो बंदे आते हैं, तो जैसा कि आपको फुटप्रिंट मतलब सुनाई दिया होगा, तो एक बंदा सामने के घरों में, तो मैं उसका वेट करता हूँ काफ़ी कि वो मुझ पर पुश करे, लेकिन वो पुश नहीं करता है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले एक स्मोक करता हूँ उसके सामने, तो स्मोक करने का रीज़न ये था कि अगर मैं उस पर पुश करता हूँ तो जब मैं अपना दरवाज़ा खोलूँगा तो उसको ना दिखे, और मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि जब तक मैं वहाँ पे जाऊँ तब तक वो स्मोक ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म हो भी जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं निकला हूँ, क्योंकि दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ। अब मुझे उसकी लोकेशन पता थी कि वो कहाँ है, तो मैं यहाँ पर पहले TPP लेता हूँ, देखता हूँ बंदा मतलब इधर उधर तो नहीं गया है। तो आपको पता है कि जब बैटल कॉइन होता है तो काफ़ी ज़्यादा बंदे बचते हैं, लेकिन मैच अभी स्टार्ट हुआ था और मैच अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो देख सकते हो आप अलाइव कितने, 26 बंदे अलाइव है, जबकि ये इतने अलाइव होते थे लास्ट सर्कल में बॉन्ड चैलेंज में। तो इससे आपको पता चलेगा कि इस तरह का हैकर आ रखा है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब जोन आ रहा था तो मैं इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं जोन के मतलब जोन स्टार्ट होने से पहले निकल गया तो ठीक है, वरना अगर हैकर जोन के बाहर होगा तो वो मुझे जाने नहीं देगा। और इसीलिए आप भी अगर आपके मैच में अगर ऐसा हैकर आता है सर्वर फ्रीज करने वाला, पिंग हाई होता है आपको और फील्ड में जोन से बार बार मर रहे बंदे, तो आपको भी जोन टू जोन चलना चाहिए, नहीं कि आप अगर जोन के बाहर रह जाओगे तो फंस जाओगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जोन में निकल रहा था, और यहाँ पे देखना सर्वर का कुछ, यहाँ पे इतना ज़्यादा पिंग हाई हो रहा था कि इसमें मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था, तभी मैं यहाँ पे आता और इस घर में बंदा था, मैं चला जाता हूँ आगे वाले हाउस में। तो आगे वाले हाउस में पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर कैम करता हूँ, और मैं थोड़ा वीडियो को कट कर दिया हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और थोड़ा लूटता हो आस पास। उसके बाद जैसे मैं फ्यूल अपने व्हीकल में भरता हूँ तभी पीछे से गाड़ी क्रॉस होता है, तो देख सकते हो आप। अब ये गाड़ी पीछे से क्रॉस किया तो मैं इस पर फायर करने वाला था, तभी जब जो मैं बोला था कि पीछे एक बंदा है तो वो फायर कर देता है, तो मैं अपनी लोकेशन नहीं देना चाहता था। और अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है, तो क्या पता हैकर होता तो बच के रहना पड़ता है। तो मैं ऐसे देखता हूँ, क्या पता वो ओला बंदा ही व्हीकल वाले बंदे को डैमेज दिया हो तो इधर कहीं हील करे, तो यहाँ से कोई दिखता नहीं है।
अब जोन स्टार्ट होने में 45 सेकंड बचा हुआ था, तो मैं यहाँ से सोचता हूँ निकल लूँ पहले, वरना अगर जोन में फंस जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वहाँ से निकल के आता हूँ यहाँ पे, तभी पीछे से फायर होता है। तो मैं पहले गया था ड्रॉप पे, तो ड्रॉप पर पहले ही बंदे कैंप कर रखे थे। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं जाता हूँ ऊपर के साइड। अब जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तभी एक व्हीकल मेरे पास से निकलती है। तो अब देखो इसको हम कैसे 40 पलट का गए हम लोग भेजेंगे। तो अब यहाँ का फाइट जब आप देखोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा कि आपको भी बैटल कॉय में कैसे किस तरह। और जिसको मैं आराम से मार दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ ताकि मैं अपना हील पूरा कर सकूँ। और यहाँ पे मैं हील कर ही रहा था तभी एक व्हीकल और आएगी, तो उसको देखना क्या ही भरेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास AKM में रिलोड करने का टाइम नहीं था, तो मैं DP ले लेता हूँ पहले। अब वो बंदा इस वहाँ पर आके कैम करता, तो इसको आराम से हम लोग भेज दिए हम। और तभी यहाँ पे मतलब फिर मैं हील करने की सोच ही रहा था, तभी यहाँ पे एक और व्हीकल आएगी। तो यार जिसको भी यहाँ की फ़ाइट अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से एक वीडियो पर लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं बैटल कॉइन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लाते रहो कि आप कैसे लास्ट जोन में सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि बैटल कॉइन खेलने के लिए तो सब बताते हैं, लेकिन इसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं काफ़ी अच्छा, इसको काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दिया। और उसके बाद मैं थोड़ा लूट करता हूँ, क्योंकि पिंग हाई होने के कारण मैं कुछ लूट भी नहीं पाया था। तो मेरे पास हेल्थ की बहुत कमी थी और ना ही स्कोप था, तो मैं यहाँ पे लूटता हूँ। और कभी जोन आ रहा होता तो मैं अपने व्हीकल को लेके स्प्री के पास आता हूँ, तो यहाँ पे रोकता हूँ कि मैं अपना हील पूरा कर सकूँ। अब देखो मैं कैसे मतलब जोन के H2H खेल रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होगा कि अगर हैकर अगर सर्वर फ्रीज कर दे तो। तो आप अगर खेलोगे बैटल कॉइन तो पता होगा कि इतने बड़े जोन में भी मतलब कितने वो अलाइव होते हैं। तो आपको जोन तो काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब छोटा हो गया था, सेकेंड लास्ट जोन था, तब भी एक वो लॉबी और एक हैकर वाली लॉबी में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो तभी यहाँ से एक और व्हीकल आती है, तो मैं उसको मारने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और उसका पीछे करता हूँ। तो यार इसको अगर मैं मार दूँ तो आपको वीडियो पे एक लाइक करना पड़ेगा, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपको ला के देते रहूँ और आप भी उसी फ्री में ले सको। तो ये गाड़ी जो व्हीकल होती है तो यहाँ पे रोकती है, तो मुझे फायर भी करती है। तो इस बंदे ने काफ़ी अच्छा खेला था इस मैच में, इस बंदे का किल फीड में भी नाम आ रहा था, तो मैं इसको नोट कर रहा था। और इस बंदे ने काफ़ी अच्छा खासा 7-8 किल कर लिए होंगे, क्योंकि मेरे को कई बार इसका नाम देखने को मिला। तो इसको मैं आराम से ठोक दिया, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे हील कर ही रहा था तभी यहाँ पे जोन आ जाता है। तो मैं जाता हूँ आगे के साइड उस व्हीकल के पास, और व्हीकल के पास जाके मैं कैंप करता हूँ। और मुझे लगता है कि सामने एक बंदा है, तो बंदा नहीं होता तो मैं यहाँ पे पहले कैंप करके देखता हूँ इधर उधर। उसके बाद मैं जोन में निकलता हूँ, तभी यहाँ पे एक बग्घी आती है, और इस बग्घी को देखना मैं क्या ही मारूँगा। यहाँ पर चारों तरफ व्हीकल ही व्हीकल खड़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर कुछ ज़्यादा इधर उधर करो तो मारा ना जाओ। तो मैं यहाँ पे सीट चेंज करता हूँ, उसको काफ़ी अच्छा खासा मैं डैमेज दिया। तभी मैं गेट इन मतलब ड्राइव का सीट पकड़ता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से उसको खोजते खोजते, लेकिन वो मिलता नहीं। अब ध्यान रखना मैं ये अपना AKM रिलोड नहीं किया हूँ, तो इसका भुगतान देखना कैसे मिलेगा मेरे को। मैं उसका पीछा कर ही रहा था तो आगे की साइड देखना यहाँ का बंदा कितना साथी था। पहले तो मुझे सामने दिखा, लेकिन मैं जैसे उसको कुचलने की कोशिश किया वो गेट इन करके अपने व्हीकल में चला गया, और यहाँ पे ये बच गया। और उस बंदे ने मुझे इतना डैमेज कर दिया था, अरे यार उस बंदे ने मेरे व्हीकल को इतना डैमेज कर दिया था, तो जाके मेरा गाड़ी ठुक गया। और
जैसे तैसे मैं तो इस वाले बंदे को मार दिया, और लेकिन ये बंदा मुझे मार दिया। तो ये भी बंदा काफ़ी ठीक ठाक खेल रहा था, लेकिन ये बेचारा हैकर के हाथों फंस जाता है। तो देखना हैकर इसे कैसे मारेगा। तो काफ़ी देर से रैंक रैंक किया है, लेकिन इसको एक दो शॉट पड़ा तो ये उठ के आता है, लेकिन तब भी इसको पड़ जाता है। तो वो बंदा देखो कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये जब हील कर रहा था तो उसने पहले ये हील कर लिया, अब उसने एक ग्रेनेड वो ग्रेनेड करेगा तो ग्रेनेड यहाँ से टकरा के थोड़ा पीछे चल जाता है, तो ये बच गया इस बार। लेकिन आपका जो ग्रेनेड आया देखना कितना एक्यूरेट है, और ये बंदे ने कितना एफर्ट लगाया था, मतलब ऊपर नीचे करके देख रहा था तो मैं कट कर दिया। तो हैकर ने इसे मार दिया। तो मिलते किसी और वीडियो के।